मैं आज आपको सिकंदर की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है, सिकंदर अपने पूरी ज़िंदगी में एक ही बार समझदारी का काम किया था। अब वो समझदारी का काम क्या किया था, मैं अभी बताता हूँ। सिकंदर अपने देश मैसिडोनिया से मार काट करते हुए आ रहा था। मैसिडोनिया में फिलिप के ये बेटे थे सिकंदर, मैसिडोनिया के राजा थे फिलिप और उसके बेटे थे सिकंदर। सिकंदर को नशा चढ़ गया पूरा दुनिया पे राज करने का, पूरा दुनिया कब्जा करने का। मार काट करते हुए उधर से हिंदू कुश होते हुए भारत की तरफ रुख किया। भारत से आके लड़ाई हुआ झेलम नदी के किनारे भारत के महान राजा पौरुष से, और पौरुष से हार के वो वापस जाना था उनको, तो पौरुष से हार गया। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं कहीं तो बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, जबकि ऐसा नहीं है। जो जीता वही पौरुष, जो जीता जो हारा वो सिकंदर, जो जीता वो पौरुष। शायद ऐसा होना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। जो जीता वही क्या, देखते हैं कितने लोग पौरुष बोलते हैं और कितने लोग सिकंदर बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं। यदि उसका भी लिख दोगे तो अच्छी बात है। हाँ, तो कहानी का आगाम बढ़ाते हैं। तो मार काट करके भारत से हार के वो वापस जाने लगा। तो जाते वक्त फिर उस पे थक गया तो एक नदी के किनारे बैठ गया। तो बैठे बैठे उसे प्यास लगी। तो किसी से पूछा कि यहाँ पे कुछ पानी का ये है, सोर्स है, जहाँ हम अच्छे पानी, साफ पानी हम पी सकते हैं। तो एक साधु मिले। साधु जी ने कहा कि यहाँ से थोड़ा सा दूर एक तालाब है जहाँ का पानी स्वस्थ, पूरा स्वच्छ है, और यदि आप उस पानी को पियोगे तो अमर हो जाओगे। सिकंदर को लगा इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है अमर होने के लिए। हर कोई अमर होना चाहेगा। अच्छा, क्या आपको ऐसा वरदान मिले कि आपको अमर होना है, तो क्या आप अमर होना चाहेंगे कमेंट करके बताइए। तो फिर मैं आपको बताता हूँ सिकंदर ने क्या किया। तो उनके मन में लड्डू फूटा और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। अपने पूरा सेना को साथ लेके चल दिया तालाब के पास। नज़दीक कितने, थोड़ा सा दूर था। तालाब के पास पहुंचते ही वहाँ पे पानी पीने के लिए गया। चुल्लू में जैसे ही उन्होंने पानी उठाया चुल्लू में पानी उठाया और जैसे ही पीने का था, तभी उधर साइड से एक आवाज आई, ठहरो। सिकंदर ने हाथ में ही पानी छोड़ के इधर उधर देखने लगा, आखिर आवाज कौन लगा रहा है और कौन बोल रहा है ठहरो, क्यों बोल रहा है। तो उसने देखा कि बगल के एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठा हुआ है, और चिड़िया बूढ़ा सा था और काफी उसका हालत खराब था और ऐसे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, पानी पीने से पहले जरा सोचो और समझदारी से काम लो। तो उन्होंने बोला, क्या सोचूं, मुझे अमर होना है, पानी है, मैं पानी पीऊंगा, अमर हो जाऊंगा। तो फिर उस चिड़िया ने बताया कि मुझे भी किसी ने यही सलाह दी थी कि आप यहाँ पे पानी पियोगे तो आप अमर हो जाओगे। मैंने भी पानी पिया और अमर हो गया हूँ। अब मैं अमर हो गया हूँ। कई 100 साल, 500 साल, 1000 साल से मैं यहाँ हूँ, पर समस्या ये है कि अमर होने के बाद अब मैं मर भी नहीं सकता। 500 साल, 1000 साल से यहाँ हूँ, कठिनाइयों से तड़प रहा हूँ, दुखों से तड़प रहा हूँ, घावों से पीड़ित हूँ, कष्ट झेल रहा हूँ, पर मैं मर नहीं सकता। तो क्या आप भी ऐसा चाहोगे कि आपके साथ भी ऐसा हो?
कोई तरफ तरफ के कठिनाइयों से जिए, उससे अच्छा है ना कि वो सुखी सुखी निकल ले भगवान के घर या स्वर्गवासी हो जाए। सिकंदर को जब ये बात कही तो सिकंदर ने सोचा कि बात तो सही बोल रहे हो आप। फिर सोचते सोचते उन्होंने यहीं पे एक समझदारी वाला निर्णय लिया, जिंदगी में पहली बार एक समझदारी का निर्णय लिया, और वो बिना पानी पिए वहाँ से लौट गए कि कहीं मेरे जिंदगी में भी इस तरह की समस्याएं ना आ जाए। और लौटते लौटते ऐसा कहा जाता है कि जब वो भारत से लौट रहे थे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, कहीं हुई मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब भी कुछ काम करें या जब भी हम कुछ करें तो हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना चाहिए। और जैसे अभी यदि आपके पास अच्छे स्वास्थ्य है, अच्छे हेल्थ है, अच्छे अर्निंग है, तो हमें उस पैसे को, स्वास्थ्य को, हेल्थ को यूज करके पैसे कमाना चाहिए थोड़ा सा अधिक, और उस पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहिए कि वो पैसे हमारा ग्रो करे, बढ़े, ताकि जब हमारा एक अवस्था आए, जब हम इस अवस्था स्थिति में रहें कि हम काम ना कर सके, क्योंकि सबको एक दिन जाना है। सिकंदर ने खुद भी निर्णय किया कि उसे भी एक जाना है, उसे भी अमर नहीं होना था, जाना है। तो जो बुढ़ापा जब एक अवस्था आएगा तो उस समय भी हमारा ठीक से थोड़ा सा कटे, ठीक से जाए, तो उसके लिए हमें सेविंग करके हमें अच्छे स्टॉक में, अच्छे शेयर में लगाना चाहिए। और वो शेयर, वो अच्छे कंपनी मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आपको अधिक चांसेस रहेंगे कि आप वहाँ पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न ही मिले और अच्छे मुनाफा कमा के आप जाए। बाकी जो मैंने कहानी बताया, तो ऐसा कहा जाता है लोगों ने सिकंदर ने जिंदगी में एक ही बार सही निर्णय लिया। आपको क्या लगता है, सिकंदर ने सही निर्णय लिया या उसको अमर हो जाना चाहिए था? आप कमेंट करके हमें बताएं, देखते हैं कितने लोगों का कहना है कि सही लिया है और कितने लोगों का कहना है कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। बाकी जय हिंद।